बहुत ही प्यारी मूर्ति रखी हुई है घमापुर चौक पे। बहुत प्यारी मूर्ति है भाई, सच में बहुत प्यारी। और जो देवी जी का पंडाल ये लोग बनाए हुए हैं, पंडाल भी बहुत ज़ोरदार बना है। अब देखिए यहाँ से सजावट बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से कौन सा एरिया कब पड़ेगा, कौन सा एरिया कब ख़त्म होगा, मेरे को नहीं पता है। बस आप सजावट देखते जाइए, क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो शूट करने निकला हूँ तो मैं कोई भी मूर्ति उतने अच्छे से नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ सजावट दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक अलग ही मूर्ति रखते हैं ये लोग, मुझको देख के लगा ये। अब यहाँ से फिर से एक नई सजावट। यहाँ पे भी इस गली में रखी गई है दुर्गा जी। भाई एक 15 हो गया है, लेकिन अभी भी गाने बहुत तेज तेज बज रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पूरा रास्ता एकदम सुनसान हो गया है। अभी भी यहाँ पे काली जी रखी गई हैं कलकत्ता वाली। मैं आपके लिए फ़ोटो ले लेता हूँ, क्योंकि ये अलग मूर्ति है। अभी भी लेकिन लोग मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं घूमते हुए। YouTube पे भी, Instagram पे भी, हाँ आई रोहित ब्लॉग लिखी। यहाँ पे तो एकदम बात करना ही मुश्किल किए हैं सारी समिति वाले, इतनी तेज तेज गाना बजा रहे हैं, मैं बात कैसे करूँ। और लोग अभी भी देखो घूम रहे हैं। टाइम 1:18 हो गया, और इस रास्ते पे मेरे को नहीं लगता इस समय कोई रहता होगा एक समय पे। आज भाई रेलवे स्टेशन में गया, रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा है, एक बंदा भी नहीं दिख रहा है, जबकि वहाँ हमेशा भीड़ दिखती है। और रास्ते जबकि खाली दिखते हैं इतने समय में, तो रास्तों पे देखो कितने लोगों की ब्रेक लगा लगा के चलाना पड़ रहा है गाड़ी। आप देखो यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। चलिए थोड़ा सा रुका यहाँ पे, तो मैं बात आपसे कर पाऊँगा। लाइट्स देखिए कितनी ज़्यादा लगाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे महाकाली जी, ये बेलबाग की महाकाली जी हैं, सबसे अलग प्रतिमा यहाँ की रहती है माता जी की, बिल्कुल अलग प्रतिमा है ये। लाइट्स भी कुछ ज़्यादा ही लगाए हैं। जब इनका आगमन किए थे तो मैं, मेरे से गलती हो गई थी, मैं घमापुर की महाकाली जी लिख दिया था, जबकि फिर मैंने बाद में कैप्शन चेंज किया उसमें, है ना, तो वो बेलबाग की महाकाली जी थी। मैं शक, मतलब मेरे को शक था कि ऐसे कैसे हो गया, घमापुर अगर घंटाघर में अगर वो महाकाली जी को बैठना है तो इस रास्ते में क्यों घुसाएंगे, लेकिन मेरे को लगा हो सकता है यहाँ से ले जाते होंगे वो लोग, है ना, तो गलती हो जाती है कभी कभी। चलो थोड़ा सा ये लोग शांत हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चहल पहल है इस रोड में। अब तो थोड़ा सिटी में भी मैं घुसूंगा, देखता हूँ वहाँ क्या होगा, कितनी भीड़ होगी वैसे, क्योंकि ये सारी जनता आखिर वहीं तो जा रही है, और कहाँ जाएगी। टाइम में आपको बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको फील आए कि स्थिति क्या है हमारे शहर की। आज 1:22 हो गया है, और यहाँ पर अभी भी पुलिस वाले भैया लोग चार चार बैठे हैं इसी समिति के पास। अभी ये देखिए यहाँ पे भी नियॉन लाइट्स, इस बार बहुत ज़्यादा नियॉन लाइट्स लगाई गई है। ये मेरे हिसाब से वही चौक है जहाँ पे मन्नत वाले घनराजा जी रखे गए थे, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे नियॉन लाइट्स कितनी खूबसूरत लगी है, और ऊपर कितनी खूबसूरत सजावट किए हैं, एक नंबर यार। थोड़ा सा इस तरफ भी चलता हूँ मैं, और उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आएंगे, क्योंकि सजावट बहुत अच्छी किए हैं, तो इसके लिए मैं चल रहा हूँ। ये सारे लड़के देखिए घूम रहे हैं। अब यहाँ से फिर भरतीपुर भी निकल सकते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे हम। यहाँ पे मैं रोका नहीं, यहाँ पे बहुत मनमोहक प्रतिमा रखी गई थी दुर्गा जी की, बहुत प्यारी लग रही थी। छोटी रूप में थी दुर्गा जी, लेकिन अच्छी लग रही थी। खड़ी स्थिति में है दुर्गा जी यहाँ पे, शेर नीचे और शेर के ऊपर ही खड़ी है माता।
लाइट्स बहुत ज्यादा लगाई है समिति, बहुत खूबसूरत। माँ बीजा सेन दुर्गा उत्सव समिति पूरा लाइन से हर 50-50 मीटर की दूरी पे रखे हैं। कितना प्रेम करते हैं यार माँ से, कितना प्रेम करते हैं भाई साहब। अब यहाँ से हम कहाँ चले कहाँ चले, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल। ओ मेरे भाई नंदी जी, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। उस गली में ज़्यादा लाइट्स दिख रही थी, हम उस गली में चलेंगे चलिए, क्योंकि इस तरफ सुनहाई नुनहाई माता मिलेंगी, तो वो तो मैंने आपको वैसे भी दिखा ही चुका हूँ, है ना। सुनहाई वाली, सुनरहाई वाली माता जी की वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन नुनहाई वाली माता जी की वीडियो तो मैंने अपलोड कर दिया हूँ। अब वो कब तक होंगी अपलोड सुनरहाई वाली, देखते हैं, अब हमें भी नहीं पता वो चीज़। देखिए ये लाइट्स देख के मैं भाई अट्रैक्ट हुआ हूँ इस साइड, बाकी ये मेरे को पता नहीं है कि रास्ता कहाँ निकलेगा कहाँ नहीं निकलेगा, बस मैं चला जा रहा हूँ क्योंकि लाइट्स लगी है। वाह, माँ मलखम क्या प्यारी सजावट है भाई यहाँ पे। मैं आपके लिए एक तस्वीर लगा दूंगा मलखम माता की, बहुत खूबसूरत सजाए हैं। अब अगर ये मलखम माता को इतना खूबसूरत सजाए हैं, तो फिर सुनरहाई और नुनहाई माता जी को कितना सुंदर सजाए होंगे क्या? माँ मलखम मुझको लगता है 3 नंबर में लगती हैं, फर्स्ट 2 में तो सुनहाई और नुनहाई माता जी लगती हैं, नुनहाई माता जी शायद लगती होंगी। और क्या सजाए हैं, मतलब मैं तो निकल जाता, वो भाई वहाँ पे गेट के पास खड़ा है, रास्ता दिखा दिया तो मैं इस तरफ आ गया। और देखिए क्या खूबसूरत सजाए हैं, बिल्कुल मतलब देख, मतलब इतना बेहतरीन सजाया गया है कि आप सोचिए, लग रहा है कि बिल्कुल पलकों पे बिछा दिया गया है माता को, एकदम पलकों पे रखा गया है माता को, पलकों पे बिछा नहीं दिया गया है। बहुत बढ़िया यार, क्या खूबसूरत सजावट थी भाई साहब। सेम पैटर्न में यहाँ पे एक देवी जी रखी गई हैं। एक माता जी हैं जो आईज अपनी ब्लिंक कर रही हैं, अब मुझको लगता है यहीं कहीं मिलनी चाहिए वो माता जी भी। ये हम उस लाइन में हैं, फ़कीर चंद जी का अखाड़ा था शायद, ये उसी लाइन में हैं हम। बहुत खूबसूरत सजाए हैं, अब तो मन कर रहा है कि सुनरहाई और नुनहाई वाली माता जी के पास भी जाऊं, ज़रा देखूं कि वहां पे कैसी सजावट है, और जाना भी चाहिए, और मुझको आपको ले कर भी चलना चाहिए, मैं ले चलूँगा। देखें जरा, यहाँ पे हम बाहर अभी निकल आए हैं, एक बार माता जी को देख लूँ। नहीं, ये वो वाली माता नहीं है जो हम सोच रहे हैं। देखिए भूलिए मत, हम बिल्कुल सिटी में हैं, मेन सिटी के अंदर हैं। टाइम अभी 1:32 हो रहा है। और गाने भी अभी भी बरकरार हैं, बिल्कुल वैसे ही तेज़ तेज़ बज रहे हैं, और भीड़ भी वैसे ही है बरकरार, देख लीजिए।
समझ में आ रहा है कि हम सिटी के अंदर। अरे भाई यार, सुनहाई नुनहाई माता में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, पूरा पैक है गली, मतलब 1:30 बजे रात को भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, क्योंकि मेन मूर्ति है ना यार ये। ओहो हो हो, डर लग रहा है भाई, मोड़ लो मोड़ लो, बहुत तेज़ गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ फंस जाएंगे हम जाएंगे तो। ये अपना बजरंगबली जी का मंदिर है मेरे बगल में, जस्ट मैं इनको चरण स्पर्श करके निकल रहा हूँ यहाँ से। बहुत ज़्यादा भीड़ है सुनरहाई और नुनहाई में, नसीब ही नहीं हुआ हमारा देखने का। देखिए ये भी नसीब नसीब की बातें रहती हैं दर्शन करना। ओहो, इतनी रात को भी भंडारा हो रहा है यहाँ पे, बाप रे। मुझको लगा कि कोई तो मूर्ति होगी, तो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था चल रही है। 1:30 बजे रात को भंडारा हो रहा है और लोग खा भी रहे हैं, देखो आप इतने अच्छे से। वापस चलो यहाँ से, क्या मिल रहा है भंडारे में पता नहीं, पूरी सब्जी है आई थिंक मेरे हिसाब से। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि पैकिंग पूर्णतः बंद है, पैकिंग कर शर्मिंदा ना हो। वाह, गजब है जबलपुर, मेरा जबलपुर है ये। 1:35 पे भी भंडारा हो रहा है, और भंडारा होना बड़ी बात नहीं है, लोग खा भी रहे हैं भंडारा, ये बड़ी बात है। ओहो, सजावट देखिए आप यहाँ से, अभी भी वैसी की वैसी है ये। तो थोड़ा मेरा भला हो मेरे दोस्तों का, अर्पित मेरा दोस्त एमपी का दिल जबलपुर, उसने मेरे को बहुत घुमाया है नवरात्रि इस गलियों से उस गलियों में, तब मेरे को थोड़ा सा रास्ता भी पता है, तो मैं अकेले घूम पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को पता ही नहीं रहता इधर का कहाँ रास्ता है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अभी तो अभी फिर भी मैं भूल जाता हूँ, समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, कहाँ निकलूँ, किस रास्ते से कहाँ जाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पता रहता है। अब देखिए सामने सजावट अच्छी दिख रही है, इस तरफ भी अच्छी दिख रही है, चलो सामने चलते हैं, क्योंकि लाइट यहाँ पे भी ज़्यादा है, बहुत अच्छी लाइट्स लगाए हैं, बहुत ही अच्छी लाइट्स लगाए हैं यहाँ पे यार, क्या खूबसूरत है, गजब है, एक नंबर है, बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन मैया जी के पंडाल में गाना बज रहा है, क्या खूबसूरत सजाए हैं भाई। अच्छा देखो, इस बार मैंने देखा कई पंडाल, मतलब कई क्या, एक दो पंडाल मैंने देखा तो खुले हुए थे ऊपर से, वाह फाउंटेन चल रहा है और देवी जी हैं, बहुत ही बढ़िया। जैसे 24 फीट की देवी जी हैं तो उनका पंडाल भी ऊपर से खुला हुआ है, एक और कहीं का तो पंडाल मैंने देखा था वो भी खुला हुआ था, लेकिन आप देखिए ये देवी जी की कृपा है कि बारिश नहीं हो रही है फिर भी। एक दिन बल्कि मौसम बना भी था कि बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं। एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ के रास्ते से खोले गए हैं। देखिए एक जगह ओम स्वास्तिक बना हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, गजब है भाई। मेरा मोबाइल जो है ना, थोड़ा सा मेरा मोबाइल बड़ा है तो पैंट की जेब में नहीं रखा हूँ इसको, क्योंकि जीन्स है, थोड़ा सा टाइट रहता है जीन्स अपना, तो मोबाइल बड़ा है तो ऐसा लगता है कि स्क्रीन ना टूट जाए, तो बैग में है, तो इसलिए मैं बैग निकाल के बार बार बैग से निकाल के फ़ोटो भी नहीं ले रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि वैसे भी मेरा आज उद्देश्य सिर्फ आपको तैयारियाँ दिखाना है, ना कि देवी जी की मूर्तियाँ। मूर्तियाँ मैंने बहुत हद तक दिखा चुका हूँ, अब ज़्यादा अगर दिखाऊँगा तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सारी समिति ने अच्छी अच्छी मूर्तियाँ रखी हैं भाई, वो मूर्ति मेरे को अभी तक नहीं दिखी जिनकी मेरे को तलाश है, ऐसा ना हो कि छूट जाए मिस हो जाए। बहुत खूब दोस्तों, अभी हम आ गए हैं गोहलपुर चौक पे, बलदेव बाग का मैंने पता किया तो वो रास्ता, वो बच्चे लोग बोल रहे थे कि सुनहाई और नुनहाई से होके जाता है, तो लेकिन सुनहाई और नुनहाई वाला तो रास्ता ही ब्लॉक है तो वहाँ से हम जा ही नहीं सकते हैं, तो अब बलदेव बाग की छुट्टी हो गई हमारे लिए, अब हम
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मैं आधार ताल में दिखाऊंगा आपको क्या तैयारी है। रद्दी चौकी है ये, यहाँ से इस तरफ जाऊंगा तो सीधे मैं घमापुर निकल जाऊंगा और सीधे आधार ताल। इतनी तेज तेज गाने बज रहे हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, सोचिए इतनी रात को भी बज रहे हैं भाई। 1:48 हो गया है और भीड़ रास्ते पे है। मेरे को लग रहा था कि खाली हो जाएंगे रास्ते, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल पंप पे भी लाइन लगी हुई है, लोग अभी तक भी पेट्रोल भरवा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी शांति का अनुभव तो हो रहा है, थोड़ा सा शांति का अनुभव है, लेकिन नहीं है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे करूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग करने लायक भी शांति नहीं है। भीड़ नहीं है, लेकिन चूंगे का हल्ला हो रहा है ज़्यादा। वो भूत वाला जो मास्क मिलता है ना, वो एक लेडी पहन के घूम रही है यार। वो लड़के अक्सर घूमते जो पहन के, सामने जो वाइट कलर का रहता है, वो यहाँ पे एक लेडी लेडी पहन के घूम रही है। अब इसके बाद थोड़ी बहुत सजावट यहाँ से हुई है। ये हम आ गए हैं, अरे इसको क्या तो बोलते हैं, धनी की कुटिया। अच्छा वो यहाँ पे लिखा हुआ था। अरे लाइन लगी है यहाँ पे यार, ओहो ये देख रहे हैं आप, लाइन लगी है। क्या है यहाँ पे, भूत नगरी 2 बना है और भूत नगरी देखने के लिए यहाँ पे लाइन लगी है। बहुत बढ़िया, आसपास लोग भी हैं। यहाँ पे जो दुकानें हैं अभी खुली हुई हैं। 1:51 पे भूत नगरी में लाइन लगी हुई है भूत से मिलने के लिए या भूत देखने के लिए। इसका रील शूट कर सकता था क्या, लेकिन रहने दो, अब क्या रील शूट करूं। आप लोग भी सो गए होंगे, हालांकि सुबह उठ के आप लोग देख सकते हो। डाल दूं क्या रील, बहुत सारी तो रील डाला हूं, रहने दो, छोड़ो जाने दो। आपको भी लगता होगा कि थोड़ा बहुत तो ठीक है, जैसा भी लगे। बढ़िया सजाए हैं यहाँ अंदर भी। ये अपना खेरमाई द्वार है माता जी का, एक दुर्गा जी यहाँ पे रखी हुई है मेन अपने यहाँ। यहाँ पे अंदर भी दुर्गा जी रखी हुई हैं मेरे राइट हैंड साइड में, और एक अपना धारताल चौक पे भी दुर्गा जी रखी गई हैं, और एक सब्जी मंडी में भी महाकाली जी रखी गई हैं। ये देखिए आप इस तरफ, बहुत खूबसूरत प्रतिमा है ये भी दुर्गा जी की। रास्ते चल फिर रहे हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि पूरा रास्ता एकदम सुनसान हो गया है। आगे मैं यहाँ पे बजरंगबली जी का मंदिर है, लाइट्स थोड़ी सी लगी है तो मैं एक बार राउंड मार के आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या खूबसूरत लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पे भी, और सामने में ही बजरंगबली जी का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे भी बहुत अच्छी लाइट्स लगाए हैं। बजरंगबली जी का मंदिर है और फिर यहीं पे देवी जी स्थापना भी की गई हैं। मंदिर के पट तो खैर बंद कर दिए गए हैं। लेकिन देवी जी का पट खुला ही है और खुला ही रहेगा। दिन में जब धूप आती है ना, मेरे हिसाब से तभी सिर्फ चेहरा ढक देते होंगे माता जी का। केवल यहाँ नहीं, सब जगह की ही बात मैं कर रहा हूँ, बाकी तो फिर रात भर खुले ही रहते हैं, क्योंकि भक्त लोग अभी दर्शन तो करेंगे ही, 2-3 दिन की और बात है, उसके बाद फिर माँ विदा ले लेंगी। सारा शहर एकदम झूम रहा है। अरे यहाँ भी बहुत अच्छा भंडारा किया करते थे। अच्छा अभी होगा यार, अभी तो लास्ट समय में होता है शायद भंडारा, अभी दिन तो कहाँ आया उतना कि भंडारा हो, है ना। फिर भी दो दो जगह तो मैंने रील डाला आज। एक जगह डोसा मिल रहा था सिविल लाइन में,
वो दूसरे पार्ट में आपने वीडियो को देखे होंगे। और रसल चौक में अपना राइस मिल रहा था, वेज राइस टाइप का। सब्जी मंडी के बाजू में जो मैं बोल रहा था ना आपको, महाकाली जी हैं, उनके भी दर्शन एक बार करा दूं। ये महाकाली जी का रूप थोड़ा सा अलग है। टाइम अभी देख लीजिए कितना हो गया, 2:04 हो चुका है, अभी भी रास्ता चल रहा है पूरा। मतलब खाली तो हो गया है लेकिन चल रहा है अभी भी रास्ता। यहाँ पे एक मुस्कुराती हुई देवी जी की प्रतिमा रखी हुई है सब्जी मंडी के इस तरफ बाजू में, और सब्जी मंडी के इस तरफ महाकाली जी की प्रतिमा थी जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। यहाँ पे माता जी का बाल रूप है सामने में, और वो मैंने आपको रील में दिखा चुका हूँ आज से तकरीबन 2 या 3 दिन पहले ही दिखा चुका हूँ रील में मैं।